वृद्धि संधि के विषय में आपने जाना, अ या आ के साथ ए या ऐ का योग करने पर हो जाता है ऐ, और अ या आ के साथ ओ या औ का योग करने पर हो जाता है औ। तो आइए इन्हीं नियमों द्वारा संधि विच्छेद करना सीखें। उदाहरण देखें, एकैक। सर्वप्रथम एकैक शब्द के मध्य में स्वर को जान लें। यहां एकैक शब्द के मध्य में स्वर है आई। आई के लिए नियम है अ या आ के साथ ए या आई का योग। तो यहां इसी नियम का प्रयोग करेंगे। अब एकैक शब्द से आई स्वर को पृथक कर शेष शब्दांश लिखें। तो एकैक शब्द से आई स्वर को पृथक करके पूर्व शब्दांश बचा एक, क्योंकि कई से आई स्वर को पृथक किया गया इसलिए क स्वर रहित होगा और आई के बाद शेष बचता है क। अब अपने विवेक से जान लें कि एक के साथ अ का प्रयोग होगा या आ का। तो एक के साथ अ का प्रयोग होगा। इसी प्रकार अपने विवेक से जान लें कि क से पूर्व ए का प्रयोग होगा अथवा आई का। तो क से पूर्व ए का प्रयोग होगा। एक के साथ अ का योग करने पर हो गया एक और क से पूर्व ए का योग करने पर हो गया एक। यह हो गया एक धन एक। दूसरा उदाहरण देखें, वनौषधि। सर्वप्रथम वनौषधि के मध्य में स्वर को जान लें। यहां वनौषधि शब्द के मध्य में स्वर है औ। औ के लिए नियम है अ या आ के साथ ओ या औ का योग। तो हम यहां इसी नियम का प्रयोग करेंगे। अब वनौषधि शब्द से औ स्वर को पृथक कर पूर्व शब्दांश लिखें। तो यहां वनौषधि शब्द से औ स्वर को पृथक करने पर पूर्व शब्दांश बचा वन, क्योंकि नौ से औ स्वर को पृथक किया गया अतः न स्वर रहित होगा। इसी प्रकार औ के बाद शेष बचा षधि। अब अपने विवेक से जान लें कि वन के साथ अ का प्रयोग होगा अथवा आ का। तो वन के साथ अ का प्रयोग होगा और इसी प्रकार अपने विवेक से जान लें कि षधि से पूर्व ओ का प्रयोग होगा अथवा औ का। तो षधि से पूर्व औ का प्रयोग होगा। वन के साथ अ का योग करने पर हो गया वन और षधि से पूर्व औ का योग करने पर हो गया औषधि। यह हो गया वन धन औषधि।